हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में शुमार है ये बड़ा शिग्री ग्लेशियर। ये ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इतना तेजी से कि पिछले कुछ ही सालों में ये ग्लेशियर चंद्रा नदी के तट से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। बड़ा शिग्री ग्लेशियर करीब 3 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसके अलावा इसकी लंबाई भी करीब 25 किलोमीटर तक की है। बड़ा शिग्री ग्लेशियर करीब 3,950 मीटर से लेकर 4,570 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है और इस पर लगातार ग्लोबल वार्मिंग की मार पड़ती नजर आ रही है। यह ग्लेशियर जो है कभी गगनचुंबी हुआ करता था, 14 किलोमीटर के रेंज में यह ग्लेशियर हुआ करता था, कभी धरातल को टच करता था, परंतु आज ये विडंबना हो चुकी है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह ग्लेशियर अपने अस्तित्व को लड़ रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। जितना हमारी नदी जो यहाँ के आगे गुजरती है, सारा पानी इसी से आता था, आने वाले समय में शायद ये सपना रह जाएगा। कभी ये शिग्री ग्लेशियर इस नदी को टच करता था, आज ये इतना पीछे चला गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण या पर्यावरण में या गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा होने के कारण, जिससे ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यही स्थिति रहा तो आने टाइम वाले समय में ये ग्लेशियर खत्म हो जाएगा, जिसके कारण ये जो आसपास की जो नदियां चल रही है ये भी सूख जाएंगे। इसीलिए सरकार को इस विषय की ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि कभी ये ग्लेशियर चंद्रा नदी को स्पर्श करता था, लेकिन आज ये इससे करीब 1.5 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है, जो चिंता का विषय है। पर्यावरण वैज्ञानिक इसके लिए बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उदासीन रुझान को जिम्मेदार बताते हैं, जबकि स्थानीय लोग भी इस ग्लेशियर के पिघलने से चिंतित हैं। हर साल एक चक्कर लगाते हैं इस एरिया में, इस रोड से हमारा आना जाना रहता है। मैंने देखा कि पिछले साल जो ग्लेशियर का लेवल था वो मतलब पिछले साल से कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। अगर इस तरह से ही मतलब बांध हो गया, आवाजाही बढ़ेगी और जैसे रोड भी, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, गाड़ियों की आवाजाही बढ़ेगी, इससे ग्लोबल वार्मिंग से बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ ढाबा चला गया, मेरे को 43 साल हो गया, और पहले ग्लेशियर था बहुत बड़ा, तो ग्लेशियर देख के डर लगने को था। अब तो ग्लेशियर तो नीचे आई गए, जमीन में आ गए, तो अब तो ना के बराबर है ग्लेशियर, तो बैठ गया पूरे जमीन में आ गया। जो गाड़ी आते हैं ये पता नहीं, ज्यादा गाड़ी होने से धुआं से निकलता है, बर्फ पिघल जाता है, कि पता नहीं क्या होता है ये, हमने देखा नहीं ऐसा पिघल, तो मैंने हमारे यहाँ बर्फ लगता है तो इतना नहीं पिघलता जितना ग्लेशियर पिघलता है, बाद में तो हमारे बच्चे लोगों को तो पानी मुश्किल हो जाएगा। इस हिसाब से पर्यावरण संरक्षण आज एक बड़ी चुनौती है और खासकर हिमालय को बचाना उससे भी बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है और ये चुनौती आज के दौर में पूरी दुनिया के सामने है। बड़ा शिग्री ग्लेशियर एशिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में शुमार, ये ग्लेशियर जो है आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा बुजुर्गों का मानना है कि ये ग्लेशियर जो है कभी चंद्रा नदी के छोर को टच करता था, लेकिन आज ये लगातार सिकुड़ता जा रहा है और 1.5 से 2 किलोमीटर तक जो ये ग्लेशियर सिकुड़ गया है, जो कि चिंता का विषय है। ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर और बढ़ता प्रदूषण जो है इन ग्लेशियरों के पिघलने का मुख्य कारण है। ऐसे में सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड या गाड़ियों की धुआं से जो ग्लेशियरों पर विपरीत असर पड़ रहा है उसे रोका जा सके और इन ग्लेशियरों को जो है हम आने वाले पीढ़ियों तक संजो कर रख सके। पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए और इस ग्लेशियर पर जो विपरीत असर पड़ रहा है इसे बचाने के लिए पहल करनी चाहिए। दूरदर्शन समाचार के लिए छोटा दड़ा से मैं कुंदन शर्मा।